राजस्थान में खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बच्चों की क्या हालत है, यह जानने के लिए निकाली जा रही भारत माला बचपन यात्रा का आज समापन हो गया। बाड़मेर से लेकर श्री गंगानगर तक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा यह यात्रा निकाली गई। मनन चतुर्वेदी ने गंगानगर तहसील के सीमावर्ती गांवों का निरीक्षण भी किया। वहीं राजस्थान पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर गांव हिंदूमल कोट में भारत माला बचपन यात्रा का समापन हुआ। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समापन समारोह में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष ने समापन समारोह में बोलते हुए अपने 13 दिन की यात्रा के कुछ अनुभव भी बताए कि कैसे रेगिस्तान में बच्चों की पानी की समस्या है, वहीं किस तरह विद्यालयों में अध्यापक कार्य दिवस में भी अनुपस्थित रहते हैं। कई जगह तो टांकों से पानी निकालकर साल भर उसी से काम चलाया जाता है। जो हमारे जिले हैं उनमें बच्चों की कैसी स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उनको अपने साथ जोड़ना और उनके अधिकारों का संरक्षण सभी ऑफिसर्स को संवेदनशील करते हुए उनको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं, स्कूल, आंगनबाड़ी, मेडिकल हॉस्टल्स, जितने भी बच्चों के हॉस्टल्स हैं उन सबको सेंसिटाइज करते हुए उनकी जो यथास्थिति है उन सबको देखना, उनको दुरुस्त करना, बच्चों को कम्प्लीट बेनिफिट पहुँचाना, जो भी उनके अधिकार हैं वो उनकी मुट्ठी में दिलाना, और अधिकारों का जब हनन हो तो उन्हें कहाँ पर किस अधिकारी को बताना है और बिना डरे बिना सहमे वो अपनी बात कहें, हम हमेशा उनके साथ हैं। ये भारतमाला की मेन मोटिव थी और ये हमने पूरी की। 12 दिवसीय बचपन यात्रा में चतुर्वेदी ने लगभग 80 गांवों में पहुंचकर जनसुनवाई की। इस दौरान विद्यालयों में बाल अधिकार क्लब के गठन पर भी जोर दिया गया। समापन समारोह में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गानों पर प्रस्तुतियां दी। वहीं उपखंड अधिकारी यशपाल अरोड़ा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखकर ही उन्हें अपने अधिकार मुहैया करवाए जा सकते हैं। समारोह में विकास अधिकारी सुखविंदर सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सैनी, भाजपा के आईटी सेल से जुड़े सुनीत नागपाल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CDPO, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक वीरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत सरपंच हरविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे।